तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रूबी किचन एंड ब्लॉग्स में। आज मैं फिर से आज हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैंने बनाया बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, जिसे बनाने में मैंने कोई तामझाम नहीं किया, एकदम सिंपल तरीके से बना के तैयार कर लिया है। ये जो देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है, एकदम सॉफ्ट स्पंजी बना हुआ है और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। और आप मेरा वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, देखिएगा मैंने किस तरीके से बनाया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर हमने एक प्याज ले ली है और एक टमाटर ले लिया है, दो हरी मिर्ची ले ली है। आपके पास और भी सब्जी हो जैसे कैप्सिकम और गाजर ये वगैरह हो तो भी आप इसमें डाल सकते हो। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर के तैयार होता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैं प्याज को छील लेती हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज को छील लिया है और इसे हमने धो भी लिया है, सारी चीज़ों को मैंने धो के ले लिया है। अगर चाहो तो आप अलग अलग इन्हें कर सकते हो, लेकिन मैं एक साथ ही इनको पीस लूँगी, मतलब बड़ा बड़ा काटना है, काट के डाल लेंगी इसमें चॉपर में। दोनों हरी मिर्ची भी डाल लूंगी और इन्हें मैं चॉप कर लूंगी। मिक्स तो होना ही है, इसलिए मैंने अलग अलग नहीं किया है, मतलब चॉप किया है इन्हें, और हमें मिक्स तो करना ही है, इसलिए मैंने एक साथ ही कर लिया है। ये चीज़ मेरे बच्चे को बहुत पसंद है, इसलिए मैं बना रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा चॉपर है, इसमें मतलब दो चार बार करने से ही काफ़ी अच्छा चॉप हो जाता है। ये देखिए एकदम फाइन हो जाता है। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और ये मुझे 154 का पड़ा हुआ था। यहाँ पर सारी सब्जियाँ मेरी अच्छे से चॉप हो गई हैं, आप देख सकते हो। तो अब हम ले लेंगे एक बड़ा सा बोल, ये देखिए इसमें हम डालेंगे, ये सूजी है मेरी, मैंने यहाँ पर छोटा कटोरी है, ये बहुत छोटा कटोरी है, इसमें मैंने डाला एक कटोरी सूजी। ये थोड़ा उससे बड़ा कटोरी है, लेकिन ये बहुत ही कम है, आधा कटोरी से कभी कम बेसन डाला है मैंने इसमें। और इसमें मैंने जो चॉप करके सब्जियाँ रखी हैं, उन सब्जियों को डाल देंगे सारी को। सब्जियों को मैंने डाल दिया है, अब हम इसमें डालेंगे दही। दही एकदम खट्टा होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा खट्टा, तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच दही डाला है। और फिर नॉर्मल भी आप दही डाल सकते हो, ये मेरा नॉर्मल वाला दही है, तो वो वाला खट्टा दही था, तो इसमें मैंने कम से कम 4 से 5 चम्मच दही डाल दिया है। अब इसमें हम इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम पानी डालेंगे अगर ज़रूरत होगी तो। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, इसमें थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर, ज़्यादा नहीं डाला है मैंने, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक थोड़ा सा, देखिए एकदम एक पिंच मैंने डाला है लाल मिर्ची पाउडर, और एक पिंच ही मैं डालूंगी गरम मसाला। गरम मसाला मैंने डाल दिया है, हल्दी पाउडर, नमक वगैरह, और इससे ज़्यादा मसाले में कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, और सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे, इसका एकदम घोल जैसा तैयार करना है। बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनकर के तैयार होता है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा। ये गाढ़ा है, हमें थोड़ा सा पतला और करना है इसे। अब इसका घोल एकदम परफेक्ट है, ये देखिए इस तरीके का हमें घोल करना है, क्योंकि हमें इसे 5 मिनट के लिए छोड़ना भी है, जिससे ये अच्छे से फूल जाएगा। चाहो तो आप इसे 15 मिनट के लिए भी छोड़ सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है, सुबह में है, 5 मिनट के लिए ही छोड़ूंगी। यहाँ पर हमने चढ़ाया है अपने मेकर, गैस को मैंने ऑन कर दिया है
और ये गरम हो रहा है। ये बैटर को भी मेरे को 5 मिनट हो गए हैं, इसमें हम डाल देंगे इनो। जब हमारा तवा गरम हो जाए तभी हमें इनो मिक्स करना है और हम इसे इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक ही डायरेक्शन में घुमाइए। ये हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है इनो को और यहाँ पर हमारा तवा भी अच्छे से गरम हो गया है। इसमें हम डालेंगे घी, हल्का हल्का डाल दीजिए, थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं डालना है, वरना आप बिना घी के भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो घी या तेल आपकी मर्जी है, जो डालें, डालना चाहो वो डाल लें। तो मैंने इसमें सब में थोड़ा थोड़ा घी डाल लिया है और मैं इसमें डाल दूंगी एक एक चम्मच भर के ये बैटर। थोड़ा खाली लगे तो थोड़ा सा और डाल दीजिए। मैंने सारे को फिल कर दिया है, अब हम इसे ढक के छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। फ्लेम हमारी लो टू मीडियम होनी चाहिए, फुल पे करोगे तो जल जाएंगे और अंदर से पकेंगे भी नहीं। तो हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए एक तरफ से सेकना है, फिर उसके बाद हमें इन्हें पलट देना है। ये देखिए कितने अच्छे फूल गए हैं एक तरफ से और ऊपर से देखिए ड्राई भी हो गए हैं। ये देखिए, तो हम इन्हें पलट देंगे। मैं सारे अप्पे को पलट दिया है, बीच में फ्लेम रहती है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा सिक गए हैं, लेकिन बाकी सारे एकदम परफेक्ट सिके हुए हैं। आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए, और ये ना हम नीचे से भी ऐसे ही सिक जाने देंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है इनका। ये देखिए नीचे से भी एकदम परफेक्ट सिक गए हैं, बस हमें इन्हें इतना ही सीखना है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए मेरा नाश्ता बनकर के एकदम तैयार है, बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी बना हुआ है। ये देखिए आप इसे बच्चों के लंच में रख सकते हो, बहुत ही हेल्दी है, बच्चे बहुत ही टेस्टी बनता है तो बहुत ही अच्छे से खाते भी हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अप्पे का पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे भी हेल्प कर दीजिए।